अस्सलाम वालेकुम, इट्स द सेकंड डे और इस वक्त हम कलाम में हैं। कलाम में हम कल रात को पहुंच गए थे और होटल में स्टे किया था और सो गए थे। सारे इतना थके हुए थे कि बस आए हैं और सो गए हैं। थोड़ा सा व्यू चेक कर सकते हो। इस वक्त बादल और बारिश इतनी ज़्यादा है कि व्यू भी शायद इतना क्लियर ना आ रहा हो। बादलों ने सारा कुछ ढक चुके हैं। हेमंत, कैसा चल रहा है सब कुछ? यार इधर बहुत ज्यादा ठंड है और हमने बहुत ज्यादा कपड़ों पे पहने हुए हैं। सही बात है, आप लोगों ने जज नहीं करना, ही नहीं जा रहे हम कितने मोटे लग रहे हैं, जज नहीं करना, ठीक है? नीचे कपड़े बहुत ज्यादा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते आप वाकई मोटे लग रहे हैं, क्योंकि अंदर से बंदा फिट ही है लेकिन अंदर से फिट है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। क्या बात है, जो हमारे ग्रुप के मिसिंग पर्सन है यार, वी मिस यू अ लॉट। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो नहीं देख रहे तो यार, अभी हम इधर बैठ चुके हैं यार, ये सारे जरगाम मिर्जा एमन हसन मल्टी लेयर सारों ने पहनी हुई है। हसन रहीम का स्टाइल कॉपी किया और मैंने कॉपी किया है अदनान समी का। क्या बात है, बर्फ में पांडा देखे, कौन है पांडा? अच्छा, मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है, ठीक है? एक्चुअली मेरी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो चुका है क्योंकि मैंने आज स्नो फॉलिंग देख ली है। फाइनली सामने स्नो फॉलिंग हो रही है, शायद इसमें नजर ना आ रही हो सही तरीके से, लेके आ रही है मुझे, मतलब अपनी आंखों से बड़ी जबरदस्त किस्म की नजर। सारे जो है वहाँ पे खड़े होके अभी इंजॉय कर रहे हैं, काफी उन्होंने पहली बार स्नो फॉलिंग देखी है। अहमद, कैसा लग रहा है यार? दिल गार्डन हो गया, बड़ा बहुत मजा आ रहा है ना भाई। यहाँ ऊपर स्नो फॉलिंग हो रही है, नीचे बर्फबारी हो रही है, बहुत मजा आ रही है। शाम तक जब हम आएंगे तो कुछ हुआ होगा। सही बात है, टैब नहीं होगा। अभी हम निकलने लगे हैं टूवर्ड्स विलेज, पलोगा विलेज और पलोगा विलेज से महूडान लेक। महूडान लेक में अगर रास्ते बंद ना हुए बर्फ की वजह से तो फिर नहीं जा सके, अगर नहीं बंद हुए तो जा सकेंगे अगर बंद हुए। अभी पहले उशू फॉरेस्ट जा रहे हैं, उसके बाद पलोगा जाएंगे, उसके बाद उशू फॉरेस्ट तो आधे घंटे का रास्ता है। तो अभी यहाँ पे इतनी बर्फबारी अभी भी चल रही है और नीचे चल रहा जो बारिश का पानी था वो जम चुका है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे इस वक्त टेम्परेचर है, तो वो सारा पानी जम चुका है नीचे। ये देख अहमद, यार बहुत ठंड है, जितने मर्जी कपड़े पहन लो नहीं हो रहा। मेरी जैकेट का, इस वाली जैकेट का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, सीमेंट की बॉडी पता नहीं क्या गया, और ये मुझे सबसे ज्यादा सुकून दे रही है इस वक्त। मेरी गाड़ी देखो, ये गाड़ी रात तक बिल्कुल क्लियर थी और इस वक्त देखो इस पे क्या, मतलब पूरी बर्फ जम चुकी है और आधे घंटे में अहमद पूरा नकाब पहन के पूरा क्लियर हो चुका है, इसके जिसमें कहीं से हवा नहीं जाएगी। यार पाँव बिल्कुल सुन पड़े हैं, ठंडे या कुएं पड़े हैं, दो सॉक्स पहनी हुई हैं। अब वो प्राडो है और उसमें हम ऊपर जाएंगे उशू फॉरेस्ट, तकरीबन 3 घंटे का सफर है। तो मैं, मुझे पता है, मैं यहां मौजूद हूं। अच्छा, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा, लगे पहने हुए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ठंड है, बस इन शॉर्ट बहुत ज्यादा ठंड है। और इसके बाद अभी हम बस जीप में बैठे, किस्म की ठंड। इस वक्त हम आ चुके हैं उशू फॉरेस्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, और ये जो स्नो फॉलिंग हो रही थी उसकी वजह से अब सब कुछ वाइट होने लग गया है, ठीक है? और अभी तक स्नो फॉलिंग जो हो रही है वो मतलब हो रही है। यहाँ पे सारे जो दरख्त हैं उनके ऊपर आप देख सकते हो बर्फ आ चुकी है। उशू फॉरेस्ट जो है ये बेसिकली इन बड़े बड़े ट्रीज की वजह से मशहूर है, हर जगह सारे जो दरख्त हैं वो वाइट हो चुके हैं। अच्छा यार, तो अभी पलोगा वैली में आ चुके हैं। यहाँ पर पीछे आप स्नो देखो, इतनी ज़्यादा तह जम चुकी है स्नो की। यहाँ पे स्नो मेरे ख्याल से काफ़ी पहले की पड़ रही है क्योंकि जम चुकी है। यहाँ पर पीछे लोग देखे वो जा रहे हैं, थंग से कांपते हुए जा रहे हैं, ये लोकल लोग पीपल है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आप लोगों को सामने का व्यू दिखा दूँ, मेरे इस तरफ जो आ रहा है, शायद कैमरे में उस तरह का ना है लेकिन जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा, जो मैं आपको चीज़ दिखाने लगा था वो ये है। ओह, क्या व्यू है, कैसा नजर आ रहा है। अच्छा यार, तो अभी हम इधर पलोगा वैली में आ चुके हैं, तो मसला सबसे ज़्यादा ये है, मुझे ग्लव्स उतार के फ़ोन निकालना पड़ता है और फिर वीडियो बनानी पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा व्यू का मज़ा आ रहा था ना, वो
ये पीछे आपके सामने मतलब क्या व्यू है। मैं उतरा और मैंने वैन ये जीप से उतरते साथ ही देखा और मैं हैरान ही रह गया। मतलब इधर आप देखें जरा कैमरा उधर करें ना, उधर करें। ये देखें ये गोला बड़ा सख्त था। बस यही बताना था, बेसिक मकसद इस वीडियो बनाने का आपको व्यू दिखाना था, ठीक है। अच्छा यार अभी यहाँ पे सरों ने स्नो फाइटिंग शुरू कर दी है। वीडियो बनाने ही लगा तो कैमरा बाहर निकाला और किसी ने मुझे स्नो का इतना बड़ा गोला मारा कि मेरा सारा जो फोन था वो बर्फ के अंदर काफी अंदर जा चुका था। पीछे सारे स्नो फाइटिंग कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ, बादलों के पीछे छुपा हुआ है और सारा इससे पहले ग्रीन था लेकिन वो स्नो फाइटिंग किस तरह शुरू हुई तो इतना ज्यादा वाइट हो गया सब कुछ। अच्छा वहाँ पे मेरी पूरी क्लास देखें स्नो फाइटिंग कर रही है, पूरी क्लास है उधर और मैं नीचे अब जाना चाहता हूँ। ये देखें मैंने अपने ग्लव्स उतारे हैं, ये अपने फ़ोन का कवर उतारा है क्योंकि पूरा भीग चुका था और ये उतार के अब वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं भी अब उधर जा रहा हूँ। मैं आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ। ये तो स्नोमैन बन रहा है, खाकी बना रहा है स्नोमैन, अभी इन प्रोग्रेस से देखते हैं क्या बनता है। जिस स्नोमैन की मैं बात कर रहा था वो बन चुके, सारी क्लास ने मिलकर ये बना दिया, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों को फाइनल दिखा दूँ इसे डिस्ट्रॉय करने से पहले, ये बेचारे की नाक जो है वो हटाना नहीं, स्प्रिंग लगा हुआ, चश्मे स्प्रिंग लगा हुआ है। अच्छा यार ब्लॉगा विलेज सारा जो था वो देख लिया, स्नो फाइटिंग भी हो गई और सब कुछ जो जो यहाँ पे करना होता है जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर चुके हैं। हमने जाना अपने होटल वापस, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब आप देख सकते हो पीछे सारा जो सिनेरियो है वो वाइट हो चुका है, ठीक है। बेसिकली लोगों की आबादी यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट ही हैं और ज़्यादा वो लोकल लोग इतने नहीं नज़र आ रहे, बट उन आबाद हुए होते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत ही मुश्किल है, बहुत ठंड होती है और बेसिक नेसेसिटीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा यार जो प्लोगा वैली थी, प्लोगा वैली था, वहाँ से हम वापस आ चुके हैं। वहीं पर कलाम मार्केट में जो बेसिकली बाज़ार है और वो कलाम सारे जो पहाड़ वगैरह वो आ चुके हैं। हम अपने होटल पे तकरीबन वापस आ चुके हैं, अभी मगरिब का वक्त है। हमने आगे जाना था एक और जगह माहूडन लेक, लेकिन वो बंद है। स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी सुबह और आज इधर भी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन इधर भी इस वक्त अभी कोई निशान नहीं है क्योंकि बाद में बारिश हो गई थी और बारिश की वजह से सारी स्नोफॉल जो ज़मीन पर थी वो ख़त्म हो चुकी है, स्नो जो ज़मीन पर थी। अच्छा ये कलाम बाज़ार है, कलाम का बाज़ार मतलब ये सारी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, आगे वो शॉप्स बनी हुई हैं। उस गाड़ी में हम अभी आए हैं, ये खूबसूरती चेक करो यहाँ पर क्या बात है, और अभी मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाता हूँ वो चेक करो। इस तरह का व्यू आपके होटल के रूम से मतलब आ रहा है और ये सारा बाज़ार है। अभी हम बाज़ार में फिर के भी आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं और क्या क्या सीन है। अच्छा यार अभी हम खाना खाने इधर आ चुके हैं, एक रेस्टोरेंट है ऑब्वियसली, और रात का खाना तकरीबन खाने लगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पूरी क्लास मेरी यहाँ पर बैठी हुई है, ये देखें ये सारे हमने पूरा बाज़ार इधर लगा लिया अपने ग्लव्स का, वो बैठे हुए हैं सारे और वो बैठे हुए हैं सारे के सारे, पूरी क्लास बैठी हुई है। मेरे से ये आज बहुत बातें मुझे पता चली हैं कि दिल का बहुत अच्छा बंदा है। अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा था, चलो मेरा क्लास फेलो है, अगर आपने पिछले ब्लॉग्स में कभी नहीं देखा, यू नो अमार रिकॉर्ड किया, हाँ कर लिया, इसका सिंबॉलिक यू नो है, ठीक है ना। आज का आ चुका है, आज की मील मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। चिकन चाउमीन, चाइनीज राइस और मंचूरियन होगा, मैंने कहा आपको बता दूँ